दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। संजय की नजरें उसके होठों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी और वो धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था। जैसे ही उसने अर्पिता को किस करना चाहा, वो इतना घबरा गई कि वो पीछे हटना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, संजय ने उसे हिलने भी नहीं दिया। अचानक इन दोनों के बीच में एक ऐसा एहसास था जिसे बयान करना मुश्किल था। अर्पिता अपने सामने खड़े संजय को देख रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसने कोशिश करके संजय को थोड़ा धक्का दिया और डर के मारे बोल पड़ी, जल्दी मेरे सामने से हट जाइए, नहीं तो मैं आपको किस कर दूंगी। इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाती, संजय ने उसे धीरे से किस कर दिया। अर्पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। उन्होंने तो कहा था कि यहाँ बहुत से लोग थे, पर मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। दरवाजे के पास से जिगर सेठी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसने संजय और अर्पिता को कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने एक दूसरे के गले लगे देखा। उसने अपना आगे बढ़ाया हुआ कदम इस तरह पीछे खींच लिया जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। जिगर सेठी उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहा था। वो बोला, आप दोनों यहाँ? जैसे ही अर्पिता ने देखा कि वहाँ कोई आया था, उसने अपने सामने खड़े इंसान को जोर से धक्का दिया। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सीधी खड़ी हो गई। मिस्टर जिगर सेठी, कुछ गलत मत समझिएगा, आपने जो देखा वो सच नहीं था, वो बोली। जैसे ही वो अपनी बात कहने लगी, संजय ने पीछे से आकर उसका कॉलर पकड़ लिया, फिर उसने उसे खींच कर अपने पीछे कर दिया। अब संजय उसके आगे खड़ा था, लंबा गबरू जवान, एक शाही शख्सियत जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। जिगर ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। इतने अजीब हालात में भी संजय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल शांत था। उसने अपनी भौंहें चढ़ाकर इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे जिगर सेठी ने ही कुछ गलत किया हो। अगर उसमें इतनी अकल होती तो वो वहाँ से तुरंत चला जाता। जिगर घबराया हुआ तेजी से कहने लगा, मुझे खबर मिली थी कि आप लोगों को मेरा मोबाइल फोन मिल गया है और जिस इंसान ने मुझे उस दिन फंसाया था वो भी पकड़ा गया है। मैं उसी के बारे में पता लगाने यहाँ आया था। मैं आप दोनों का स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, मैं तुरंत जाता हूँ। जिगर सेठी तेजी से मुड़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसने थोड़ा रुक कर कहा, अगली बार एक दूसरे के करीब आने से पहले प्लीज दरवाजा लॉक कर लीजिए, बाहर बेचारे कई ऐसे अकेले इंसान हैं जो ये सब देखकर रोने लगेंगे। अर्पिता का हाथ जिगर का फोन वापस करने के लिए उठा का उठा रह गया। जिगर सेठी एक ही पल में वहां से गायब हो गया था। अर्पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कौन थी, अभी अभी क्या हुआ था। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में वापस जाते हुए उसका दिमाग खुद से ही लड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर बार बार घूम रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने जोर से अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और खुद को समझाने लगी। वो दौड़कर सीधी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुम भाग क्यों गई? वो मैसेज संजय ने भेजा था। वो अभी उससे ये पूछना चाहता था कि वो वहाँ से क्यों भाग गई। हाँ हाँ, उसी की वजह से ये सब हुआ था, उसने ही संजय को उकसाया था। आखिरकार वो एक लड़की थी और आज तक किसी के साथ इतना नहीं खुली थी। अर्पिता शर्मा रही थी। उसने अपना फोन दोनों हाथों से पकड़ा और उस पर एक एक करके शब्द टाइप करने लगी। लगभग 3 मिनट बाद वो सिर्फ इतना लिख पाई, मैं भी बिजी हूँ, अगर कोई और बात है तो बाद में बात करते हैं। उसने मैसेज सेंड करके फोन ड्रॉअर में रख दिया और उस पर ताला लगा दिया। जैसे ही अर्पिता अपनी सीट पर बैठकर सांस लेने की कोशिश करने लगी, अचानक आसपास के एम्प्लॉयज उसे घेर कर खड़े हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैनेजर अर्पिता, अचानक ऊपर से रंग बिरंगे रिबन अर्पिता के ऊपर हवा में लहराते हुए गिरने लगे। अर्पिता जैसे ही होश में आई वो खड़ी हो गई। आप सबका शुक्रिया, एक बार मिस्टर जॉनसन के स्टूडियो के साथ हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मैं आप सबको ट्रीट दूंगी। कुछ समय पहले संजय के साथ उलझनों के चक्कर में वो भूल ही गई थी कि उसे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया गया था।
अब मैनेजर अर्पिता हमारे साथ है। अब मिस्टर जॉनसन के प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हैरान कर देंगे। मुझे तो लगता है कि वो लोग एक दूसरे का कंधा पकड़ कर रोएंगे। ऑफिस में हर कोई एक दूसरे के साथ मजाक कर रहा था, माहौल काफी खुशनुमा था। अर्पिता ने अपना ध्यान फोन पर से हटा दिया था और उसने बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं की कि संजय ने उसके मैसेजेस का कुछ जवाब दिया या नहीं। जैसे ही वो अपने लिए ग्लास में पानी डालने लगी, उसने किसी को जोर से कहते हुए सुना, राजवंश कॉर्पोरेशन दिल्ली में आने वाली है। अर्पिता चलते चलते रुक गई। उसे लगा कि ये नाम उसने पहले कहीं कभी सुना हुआ था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ फीमेल एम्प्लॉयज खुशी से चिल्ला रही थी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरा प्यार वापस अपने शहर में बिजनेस करने आ रहा है? क्या तुम्हारा प्यार? तुमने तो कल कहा था कि मिस्टर संजय मित्तल ही तुम्हारे पहले प्यार है। तो कुणाल राजवंश मेरा दूसरा प्यार है, अब ठीक है? ऑफिस की लड़कियों में खलबली मची हुई थी। कुणाल राजवंश वो कौन था? अर्पिता ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर न्यूज चेक की। वहां उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे राम रावण का युद्ध हो रहा हो। राजवंश कॉर्पोरेशन एक इंटरनेशनल कंपनी थी जो कि भारत के ही परिवार ने काफी समय पहले शुरू की थी, लेकिन अब वो लोग विदेशों के साथ भारत में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। न्यूज में एक नौजवान की तस्वीर भी थी जिसकी उम्र करीब 25 साल लगती थी। उसने सफेद सूट पहना हुआ था और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि वो किसी के भी दिल में उतर कर उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती थी। देखने से वो काफी अच्छा लगता था। जैसे ही अर्पिता उस इंसान के बारे में और जानकारी पढ़ने लगी, उसने नेहा की आवाज सुनी। मैनेजर अर्पिता, क्या आपने अपना फोन ड्रॉअर में रख दिया है? आपका फोन बज रहा है। जैसे ही उसने अपने फोन के बारे में सुना, उसके दिमाग में सबसे पहला नाम संजय का ही आया। वो घबरा गई। उसने चुपके से अपना फोन ड्रॉअर से बाहर निकाला और अपने आसपास खड़े लोगों की आंखों की तरफ देखा। फिर उसने अपने बाल कान के पीछे करते हुए ऐसे दिखाया कि जैसे सब कुछ ठीक था। खुद को शांत करके वो तेजी से फोन लेकर बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में जाकर भी उसने आसपास चोरों की तरह देखा ताकि उसे कोई देख ना रहा हो। फिर जैसे ही वो कॉल लेने वाली थी कि उसने देखा कि संजय नहीं बल्कि मिस्टर जॉनसन उसे कॉल कर रहे थे, तब तक फोन बंद हो चुका था। अर्पिता के होंठ अभी भी कांप रहे थे। फिर वो शांत हुई और वापस जाकर मिस्टर जॉनसन को कॉल करने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, उसने डिपार्टमेंट में बहुत ही अजीब सा माहौल पाया। इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, उसने देखा कि संजय उसकी सीट पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ जेबों में डाले और अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।